Your Excellency, Pradhan Mantri Prachand Ji, dono delegations ke sadasya, media ke hamare saathi, namaskar. Sabse pehle to main Pradhan Mantri Prachand Ji ka aur unke pratinidhi mandal ka Bharat mein hardik swagat karta hu. Mujhe yaad hai 9 saal pehle 2014 mein कार्यभार संभालने के 3 महीने के भीतर मैंने नेपाल की अपनी पहली यात्रा की थी. उस समय मैंने भारत नेपाल संबंधों के लिए एक हीट फॉर्मूला HIT दिया था, हाईवेज, आईवेज और ट्रांसवेज. मैंने कहा था कि भारत और नेपाल के बीच ऐसे संपर्क स्थापित करेंगे कि हमारे बॉर्डर्स, हमारे बीच बैरियर्स न बने. ट्रक्स की जगह पाइपलाइन से तेल का निर्यात होना चाहिए, साझा नदियों के ऊपर ब्रिज बनाने चाहिए, नेपाल से भारत को बिजली निर्यात करने के लिए सुविधाएं बनाई जानी चाहिए. फ्रेंड्स, आज 9 साल बाद मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारी पार्टनरशिप वाकई में हिट है. पिछले 9 सालों में हमने अनेक क्षेत्रों में कई उपलब्धियां हासिल की हैं. बीरगंज में नेपाल की पहली ICP बनाई गई, भारत नेपाल के बीच हमारे क्षेत्र की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाई गई, हमारे बीच पहली ब्रॉडगेज रेल लाइन स्थापित की गई, सीमा पर नई ट्रांसमिशन लाइन्स का निर्माण किया गया है. अब हम नेपाल से 450 मेगावाट से अधिक बिजली आयात कर रहे हैं. अगर हम 9 साल की उपलब्धियों का वर्णन करने लगेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा. फ्रेंड्स, आज मैंने और प्रधानमंत्री प्रचंड जी ने भविष्य में अपनी पार्टनरशिप को सुपर हिट बनाने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. आज ट्रांजिट अग्रीमेंट संपन्न किया गया है. इसमें नेपाल के लोगों के लिए नए रेल रूट्स के साथ साथ भारत के इनलैंड वाटरवेज की सुविधा का भी प्रावधान किया गया है. हमने नए रेल लिंक स्थापित कर फिजिकल कनेक्टिविटी को बढ़ाने का निर्णय लिया. साथ साथ भारतीय रेल संस्थानों में नेपाल के रेल कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है. नेपाल के सुदूर पश्चिमी क्षेत्र से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए शिरसा और जुलाघाट में 2 और पुल बनाए जाएंगे. क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट के लिए उसके माध्यम से फाइनेंशियल कनेक्टिविटी में उठाए गए कदमों का हम स्वागत करते हैं. इसका लाभ हजारों विद्यार्थी, लाखों टूरिस्ट और तीर्थयात्रियों के साथ साथ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भारत आए मरीजों को भी मिलेगा. 3 ICP के निर्माण से आर्थिक कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी. पिछले साल हमने पावर सेक्टर में सहयोग के लिए एक लैंडमार्क विजन डॉक्यूमेंट अपनाया था. इसको आगे बढ़ाते हुए आज भारत और नेपाल के बीच लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया गया है. इसके अंतर्गत हमने आने वाले 10 वर्षों में नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का लक्ष्य रखा है. फुकोट कर्णाली और लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं पर हुए समझौते से विद्युत क्षेत्र में सहयोग को और बल मिला है. मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए इस पाइपलाइन को चितवन तक ले जाने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा सिलीगुड़ी से पूर्वी नेपाल में
झापा तक एक और नई पाइपलाइन भी बनाई जाएगी। साथ साथ चितवन और झापा में नए स्टोरेज टर्मिनल भी लगाए जाएंगे। नेपाल में एक फर्टिलाइजर प्लांट स्थापित करने के लिए आपसी सहयोग पर भी हमारी सहमति हुई है। फ्रेंड्स, भारत और नेपाल के धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत पुराने हैं और बहुत मजबूत है। इस सुंदर कड़ी को और मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री प्रचंड जी और मैंने निश्चय किया है कि रामायण सर्किट से संबंधित परियोजनाओं में तेजी लाई जानी चाहिए। हम अपने रिश्तों को हिमालय जितनी ऊंचाई देने के लिए काम करते रहेंगे और इसी भावना से हम सभी मुद्दों का, चाहे बाउंड्री का हो या कोई और विषय, सभी का समाधान करेंगे। एक्सलेंसी प्रधानमंत्री प्रचंड जी, आप कल इंदौर और धार्मिक शहर उज्जैन की यात्रा करेंगे। मुझे विश्वास है कि आपकी उज्जैन यात्रा ऊर्जामयी होगी और पशुपतिनाथ से महाकालेश्वर की इस यात्रा में आपको आध्यात्मिक अनुभूति भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।